हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा तो आप आसानी से सीख जाइएगा। तो सबसे पहले वर्गमूल का नियम होता है कि दायां साइड से हम दो अंक जोड़ा लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दो अंक जोड़ा लेने के बाद जो बच जाएगा उसको भी लिखेंगे। अब देखिए, इसमें भी लगा, अब ये एक अंक है तो अब एक अंक के साथ लगाएंगे। अब देखिए, अगर दो से लगाएंगे तो दो दोना चार, ये ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम के बार में लगाएंगे, एक बार में। तो यहाँ पर एक देंगे, उसके बाद यहाँ पर एक देंगे और ऐसे करके लिख देंगे और यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा कितना, दो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम एक से गुना करेंगे किसी भी संख्या को एक, और ये माइनस का चिन्ह देंगे, ये माइनस का चिन्ह दे दिया, और घटाएंगे तो हमको आ जाएगा एक, और दो अंक उतर जाएगा। कितना अंक उतरता है, ये दो अंक उतरता है, तो दो अंक उतर दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि अब हम कौन सा अंक रखेंगे जो हमको इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं, इससे सबसे छोटा होना चाहिए। तो हम कौन सा अंक रखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, हम लगा देंगे छः। क्या रख देंगे, यहाँ पर छः रख दिए और यहाँ पर छः रख देंगे, रख दिए, और यहाँ पर हम लिख देंगे 156। ये भी कट गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो छः दोनों 12 का दो बाकी एक, यहाँ पर तीन हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, कि अगर आपको पूछ देगा कि 256 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप क्या बोलिएगा, 16। अगर आपको कह देगा कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप क्या बोलिएगा, 256। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए, दायां साइड से दो अंक जोड़ा लेते हैं, ले लिए, उसके बाद एक अंक इससे भी ले लिए, अब यहाँ भी ले लिए इसको। अब देखिए, अगर हम दो से लगाते तो ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे तो हम यहाँ पर एक लिखेंगे और यहाँ एक लिखेंगे और यहाँ पर भी एक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमको ये दो हो जाएगा, उसके बाद इसको घटाएंगे तो हमको एक, ये अगला अंक उतर जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ हमको गुना किए तो हमको कितना चला आया, 189 चला आया। अब 189 चला आया तो यहाँ पर लिखेंगे कितना बाबू, 7। यहाँ पर भी लिखेंगे 7, यहाँ पर भी लिखेंगे 7, ये दे देंगे प्लस का चिन्ह, यहाँ क्या देंगे, प्लस का चिन्ह, 189। अब इसको जोड़े, 7 7 14 4 बाकी एक, यहाँ पर 3, 34 हो गया। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, उसके बाद ये हो गया, आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, अगर आपको कोई पूछ दिया जाए, कह देगा कि 17 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, तो आप बोलिएगा 289। अगर आपको कोई पूछ देगा कि 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है, यही आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।